देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट और वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 14,199 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। रविवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में मामूली कमी दर्ज की गई है। कल संक्रमण के 14,264 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,199 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,05,850 हो गई है। वहीं इस दौरान 83 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,385 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,99,410 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9,695 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 2,00,000 से नीचे बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।